उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति ने शिव मंदिर में घुसकर शिवलिंग को हथौड़े से हमला कर खंडित कर दिया। आरोपी व्यक्ति की ये घिनौनी करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल घटना जानसठ कस्बे की है, जहां पर स्थित प्राचीन महादेव मंदिर में शुक्रवार को मानसिक रूप से बीमार राहुल नाम के व्यक्ति ने मंदिर में पहुंचकर हथौड़े से शिवलिंग पर हमला कर खंडित कर दिया था, जिसके बाद आरोपी राहुल घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद कमेटी के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने थाने में पहुंचकर हंगामा भी किया, लेकिन समय रहते पुलिस ने मामले को शांत कराकर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ जानसठ शकील अहमद ने बताया कि राहुल नाम के एक व्यक्ति ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। कमेटी के अध्यक्ष द्वारा तहरीर और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी व्यक्ति राहुल के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा 295A में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मंदिर में प्रवेश करके शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। कमेटी द्वारा जो है सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी गई और उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तुरंत पुलिस हरकत में आई और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष द्वारा तहरीर दी गई, उस तहरीर के आधार पर उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा गया।